तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में कलर्स टीवी पर आने वाले सीरियल छोटी सरदारनी के कास्ट के पर डे सैलरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि शायद ही आप सभी जानते होंगे। तो अगर आप सभी ये सीरियल देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं निमृत कौर अहलूवालिया के बारे में, जो कि इस सीरियल में मेहर का किरदार निभा रही हैं और ये एक एपिसोड करने का 35,000 रुपये चार्ज करती हैं। निमृत का ये पहला सीरियल है, लेकिन इसी सीरियल में उन्होंने वो कामयाबी हासिल कर ली है जो शायद ही बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो वही अब बात करते हैं अविनेश रेखी के बारे में, जो कि इस सीरियल में सरबजीत का किरदार निभा रहे हैं और ये एक एपिसोड करने का 45,000 रुपये चार्ज करते हैं। तो वही अब बात करते हैं अनीता राज के बारे में, जो कि इस सीरियल में कुलवंत कौर का किरदार निभा रही हैं, ये एक एपिसोड करने का 50,000 रुपये चार्ज करती हैं। और वही अब बात करते हैं केविना तक के बारे में, जो कि इस सीरियल में परम का किरदार निभा रही हैं, ये एक एपिसोड करने का 25,000 रुपये लेती हैं। तो वही अब बात करते हैं हितेश भारद्वाज के बारे में, जो कि अभी इस सीरियल में विक्रम का किरदार निभा रहे हैं, ये एक एपिसोड करने का 30,000 रुपये चार्ज करते हैं। तो वही अब बात करते हैं सिमरन सचदेवा के बारे में, जो कि इस सीरियल में हरलिन का किरदार निभा रही हैं, ये एक एपिसोड करने का 25,000 रुपये चार्ज करती हैं। और वही अब बात करते हैं शिवेंद्र ओम सैनिवाल के बारे में, जो कि इस सीरियल में तर्कस का किरदार निभा रहे हैं, ये एक एपिसोड करने का 20,000 रुपये चार्ज करते हैं। और अब बात करते हैं अमल सिंह राउत के बारे में, जो कि इस सीरियल में जगह का किरदार निभा रहे हैं, ये एक एपिसोड करने का 25,000 रुपये चार्ज करते हैं। तो हमने आप सभी को कलर्स टीवी पर आने वाले सीरियल छोटी सरदारनी के कास्ट के पर डे सैलरी के बारे में बताया। तो अब आप सभी का क्या कहना इस वीडियो को लेकर और आप सभी को ये सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।